कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते छत्तीसगढ़ के हालात काफी बदतर होते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ कोरोना रिकवरी रेट में काफी पिछड़ता जा रहा है। टेस्टिंग के मामले में भी प्रदेश अब दूसरे राज्यों के मुकाबलों में काफी पीछे है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में सब कुछ ठप है, लेकिन एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ सियासत अपनी चाल में मस्ती से चल रही है। जमकर सियासी दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। किसानों से जुड़ा मुद्दा सियासत में हमेशा असरदार माना जाता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के किसान ऋण माफी योजना को बीजेपी ने लपकने की तैयारी कर ली है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इशारा किया कि एमपी में किसान कर्ज माफी फिर हो सकती है। इसके लिए अनेक उसको बाजार दिया, इसलिए एक देश एक बाजार किया ना किसान को सुविधा देने के लिए। इस पर विचार करना है, लेकिन हमने नहीं कहा था कि कर्ज माफी का, ये कमलनाथ जी ने कहा था, धोखा दिया था। इसे लेकर सरकार समीक्षा बैठक कर रही है और इसके लिए 2000 करोड़ का बजट भी रख दिया गया है। हालांकि ये इशारा करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नहीं, हम इस पे हम समीक्षा कर रहे हैं। हमने बजट में अभी 2000 करोड़ का प्रावधान भी किया है और इसके अंदर समय के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसानों के साथ धोखाधड़ी की, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, हर वर्ग के साथ, और इसलिए धोखाधड़ी करने वाले अब दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। 22 की 22 क्या 25 की 25, और अभी तो और कितनी हो सकती खाली, वो सब की सब सीट कांग्रेस हारेगी। और कांग्रेस ने जनता का, किसानों का, महिलाओं का, प्रदेश के नागरिकों का विश्वास खो दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस की स्थिति तो अब ये हो गई कि कांग्रेस के विधायकों का विश्वास भी कांग्रेस पे नहीं रहा, कमलनाथ पे उनका विश्वास भी नहीं रहा, इसलिए वो भी छोड़ रहा है, रोज एक नई पार्टी छोड़ रहा है। और इसलिए धोखा दे के मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं, कभी नहीं। और इसलिए कांग्रेस ने हर वर्ग के साथ धोखा दिया, अब कभी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आएगी, हमेशा के लिए खत्म। 27 सीटों का उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसके नतीजे से ये तय हो जाएगा कि एमपी में आने वाले सियासी दिन चैन के होंगे या बेचैनी भरे। इसके साथ ही बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को भी कांग्रेस से झपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके दम पर अब तक कांग्रेस शिवराज सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश करती रहती है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।